हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 मैथ जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करा जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मतलब यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको भी 90% 95% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाना है तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो अभी से, ठीक है। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, पहले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। आपको यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब सह अभाज्य संख्याएं आप लोगों को पता होगा जिनका एचसीएफ एक होता है तो वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इनका आप एचसीएफ निकाल लेना, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है आपका 14.35, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 18.25, ऑप्शन नंबर सी है 31.93, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 32.62। तो अब आप लोग बता सकते हो यहां कि कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो अगर आप यहां 18.25 का निकालोगे, लाइक अगर आप 18 का निकालोगे और 25 का, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो एक होगा, ठीक है। इसलिए इसमें हमारा जो 18.25 जो है एक सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान भी है। अगर आप लोग इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, तो प्रश्न नंबर टू हमारा है जो पाई है, ठीक है। पाई जो है वो हमारा एक पूर्णांक है या फिर एक अपरिमेय संख्या है या एक परिमेय संख्या है या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। देखो, आप लोगों को पता होगा कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू देखें, पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 22/7। तो ये जो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, बट जो पाई खुद है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर पाई केवल पूछा जाए तो वो हमारी एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को लगाकर सीखना होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, लिखा हुआ है के किस मान का समीकरण या फिर के किस मान समीकरण के लिए 3x-y+8=0 और 6x-ky=-16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। मतलब जो संपाती रेखाएं हैं वो निरूपित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर बी है -1/2, ऑप्शन नंबर सी है -2 एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा 2, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे पता करोगे, तो ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आप लोग जान जाओ, ठीक है। तो यहां हमारा सबसे पहले ये समझ लो, हमारा ए जो है a1/a2, ये हमारा क्या है, a1 जो हमारा है ये जो आपका 3 है और a2 जो मतलब x का गुणांक है, ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड में 6 है, ठीक है। तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। अब b1/b2 देख लो, b1 जो हमारा वहां क्या है, यहां हमारा आपका ये आपका -1 है, ठीक है, क्योंकि यहां आपका कोई वो नहीं है और वहां हमारा -k है, तो ये आपका कट जाएगा, 1/k हो जाएगा, ठीक है, 1/k हो जाएगा। एंड c1 हमारा कितना है, ये हमारा c1/c2 इक्वल टू हमारा 8 एंड बटे में आपका 16 माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा जो आप लोगों का c1/c2 आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा यहां आप लोग देख सकते हो, देखो यहां हमारा माइनस में है और ये भी इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 1/2 ही आएगा। c1/c2 भी हमारा क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब एक काम करो, चाहे आप a1/a2 = b1/b2, हमें k का वैल्यू ज्ञात करना चाहे, आप a1/a2 = b1/b2 कर सकते हो या फिर आप b1/b2 = c1/c2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी दो को बराबर करना है, ठीक है। तो जैसे मैं किसी दो को बराबर कर लेता हूं, लाइक हमारा 1/2
और बराबर 1/k हो जाएगा। अगर मैंने a1/a2 रखा तो k की वैल्यू हमें 2 मिलेगा। बस अगर आप b1/b2 बराबर c1/c2 रखते हो तो भी आपको k की वैल्यू 2 ही मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। और यहां जो हमारा a1 जो है वो बराबर है v1 के, ठीक है, b1 के, ठीक है, और ये बराबर है c1/c2 के। ये हमारा 1/k कर लो, ठीक है, ये चलो v1/v2 के, तो ये हमारा दो आंसर सही है। तो यहां हमारा दो बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां आपका कौन सा ऑप्शन सही है? दो, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन, हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन भी आपको सामने है कि समीकरण 2x² - x - 1 = 0 के मूल होंगे, इनके आपके मूल ज्ञात करना है, मतलब इन समीकरण का मूल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1,1/2, ऑप्शन नंबर बी है -1 का आपका स्लेस लगा हुआ, फिर -1/2, ऑप्शन नंबर सी है 1,-1/2, ये कॉमा ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी है -1 and 1/2। अब आप इसको वैसे तो बता नहीं सकते, अगर तुक्का लगाना है तो लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, लगाने का तरीका पता है, तो आप लोग इसको आसानी से लगा सकते हो। जैसे हमारा समीकरण क्या है, 2x² - x - 1 = 0। अब इस समीकरण को आप सॉल्व कर लो, लाइक इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो इससे हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो अब हमारा ये हो जाएगा 2x² - आपका जोड़ने घटाने पर 1 और गुणा करने पर 2 होना चाहिए, तो ये हमारा फैक्टर बन गया। बस अब इसी को आप सॉल्व करते चले जाओ, लाइक 2x² - 2x + 1 या फिर x - 1 = 0। यहां से आप क्या कॉमन लोगे, यहां से आप 2x कॉमन ले लो, तो यहां आपका x बचेगा और यहां -1 बचेगा, और यहां से +1 कॉमन ले लो, यहां x - 1 बच जाएगा = 0। एक ब्रैकेट में हमारा x - 1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हमारा 2x + 1 हो जाएगा = 0। ठीक है, एक बार आप x - 1 = 0 रख दो तो हमें x की वैल्यू 1 मिलेगा, और एक बार आप क्या करो 2x + 1 = 0 रख दो, 2x - 1 और x - 1/2, ये दोनों जहां हो वहां आप लोग टिक लगा लो, ठीक है, 1,-1/2 देख लो, यहां आपके पास ऑप्शन है 1,-1/2, यहां हमारा 1 है -1/2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया बिल्कुल। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारा क्वेश्चन लगाकर ही आप लोगों को सीखना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, वैसे आप लोगों को पता होगा, अगर फार्मूला पता है तो आप लोग कहोगे सर बहुत ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल और योगफल का फार्मूला तो पता ही होगा, गुणनफल का फार्मूला और योगफल का, अगर गुणनफल का फार्मूला पता है तो ये आप लोगों का 2 सेकंड का काम है लगाना, अगर नहीं पता है तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 4/3, ऑप्शन नंबर सी है -4/3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 3/4, तो अब इसको आप कैसे लगाओगे। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं मूलों का गुणनफल का, ठीक है, मूलों का गुणनफल, जो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है वो होता है अचर पद। अचर पद हमारा क्या है देख लो, समीकरण में जो अचर पद है और बटे में हमारा जो है x² का गुणांक, ठीक है, तो अचर पद जो हमारा है वो है देख सकते हो 0, ठीक है, c की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, तो अचर पद हमारा 0 है, जो 0 रख दो, और x² का गुणांक 3 है तो 3 रख दो, और बराबर हमें मिलेगा 0 आंसर। तो बच्चा बाल्टी, यहां आपका 0 जो होगा वो समीकरण का गुणनफल होगा, क्या होगा 0, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज का एक क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हो सामने आप लोगों के क्वेश्चन है,
और सबसे पहले इसको आप ध्यान से पढ़ लो ताकि अगर आपको नहीं पता हो तो भी पता चल जाए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले समझना, त्रिभुज एबीसी चित्र में आपका त्रिभुज एबीसी और आपका त्रिभुज एईएफ समरूप है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एईएफ समरूप है, समान है बिल्कुल, तब आप लोगों का त्रिभुज एईएफ यानी कि एईएफ बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए है कोण वीएएफ, कोण वीएएफ का, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर आपका वी है कोण एबीसी में, और ऑप्शन नंबर सी हमारा कोण बीसीए में, ऑप्शन नंबर डी है कोण सीएबी, हमारा कोण एईएफ जो होगा। ध्यान रखना एक बात, एक थ्योरम याद रखना, अगर नहीं याद हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, याद रखना कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। लाइक अगर ये हमारा एक समरूप त्रिभुज है तो ये हमारा समरूप त्रिभुज है, तो अगर ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर ही होगा। यानी कि अगर AEF बराबर है, AEF बराबर है तो इसका कोण ABC के भी बराबर होगा, ABC के भी बराबर होगा, तो ये हमारा ABC बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप लोगों को हार्ड लगेगा। या अगला देखो, आपका दो आकृतियां जिनके आकार समान हैं, दो आकृतियां हैं जिनके आकार समान हैं परंतु आवश्यक रूप से अमाप या फिर अमाप समान ना हो तो वो क्या कहलाती है? मतलब दिखने में समान है, ठीक है, लेकिन उनकी जो माप है वो समान नहीं है। लाइक कोई 5 सेंटीमीटर का है तो कोई आपका 8 सेंटीमीटर का है, अमाप समान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, वी समान आकृतियां, सी समरूप आकृतियां, डी है सममित आकृतियां। तो वो जो आकृतियां होगी वो सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, जिनका रूप समान हो, माप का कोई नहीं लेना देना है, तो वो हमारी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, बिंदुओं 5.0 और -12.0 के बीच की दूरी होगी। अब यहां मेन चीज है इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी याद करने के लिए एक फार्मूला याद रखना जो कि अभी मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 13, ऑप्शन नंबर डी है 17। तो बीच की दूरी आपको याद करना है, तो आप लोगों को फार्मूला मैं बता देता हूं, वैसे सभी को पता भी होगा अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि सबसे पहले यही फार्मूला आपको मिलता है। डी मतलब होता है डिस्टेंस, और डी जो होगा वो अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर कर लो एंड प्लस y1 - y2 का स्क्वायर कर लो। बस यही तो है बीच की दूरी का फार्मूला। x1 हमारा यहाँ 5x1 है, और फिर ये आपका x2 है, पीछे वाला y1 है और ये पीछे वाला y2 है, ठीक है। तो अब आप बताओ, हमें वैल्यू रख देते हैं, पुट अप कर लेते हैं। x1 हमारा क्या है? 5 है, और x2 क्या है? -12 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 कर लो स्क्वायर कर लो। y1 क्या है? 0 है, y2 भी हमारा 0 ही है, इसका भी स्क्वायर कर लो, तो 0 वाली की तो कोई वैल्यू होगी नहीं। अब हमारा बचेगा ये, तो ये आपका 17 हो जाएगा जोड़ने के बाद, और स्क्वायर, देखो तो स्क्वायर हट जाएगा, अगर कर्णली हटाना है मतलब ये जो आपका रूट है वो हटाना है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हमारा 17 हो जाएगा, 17 इकाई आंसर है। कितना आंसर आएगा? 17 इकाई, तो ये हमारा 17 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर बीच की दूरी निकालना हो तो ये आपको फार्मूला लगाना है। अब हमारे थोड़े से आपके त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हैं। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सभी को पता है, तो इसको भी हम लोग लगाते हैं, काफी आसान आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा तुरंत, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले पढ़ लो क्या दिया हुआ है। यहां आप लोग देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है 2 tan 30 degree, 2 tan 30 degree बटे 1 plus tan square 30 degree बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो ये किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है sin 60 degree, वी है cos 60 degree, सी है tan 60 degree एंड डी हमारे पास है sin 30 degree। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे तब पता चलेगा, वैसे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है।
तो इसको लगा लेते हैं हम लोग, काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू अगर आपको पता है तो इसको आप लगा सकते हो एक मिनट में। देखो लिखा हुआ है यहां 2 tan 30 degree बटे 1 plus tan square 30 degree। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले आपको 30 डिग्री का टेन 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, तो वो होता है 1/√3। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बता रखा है, 1 plus 1/√3 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि यहां हमारा स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करना है, ठीक है, 1/√3। अब क्या करोगे, अब इसको ब्रैकेट खोलते हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, तो ये हमारा 2/√3 हो जाएगा, और बटे में ये हमारा 1 plus ये आपका स्क्वायर हटेगा तो ये 1/3 हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखो, 2/√3 और ये हो जाएगा 3 1 + 3 1 + 4 4/3। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, बाहर वाले का बाहर वाले से होगा, अंदर वाले का अंदर वाले से, तो √3 × 3/4। यहां से 2 से 2 कट जाएगा और यहां 1 root से 1 root बचेगा, √3, तो यहां आपका √3/2 हो जाएगा। √3/2 किसकी वैल्यू है, ठीक है, √3/2 इन चारों में से किसकी वैल्यू है देख लो, बस उसी आपको रख दो, तो वो हमारा है साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साइन 60 डिग्री सही है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा हार्ड आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे भी नहीं, आपके लिए हार्ड होगा क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान है, ऑप्शन नंबर ए है 1/4, बी है 1/2, सी है 3/4 एंड डी है -1/2। तो इसकी वैल्यू मान रख दो, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मान पता होना चाहिए। जैसे हमारा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू रख दो। जैसे हमारा यहां इसकी जो वैल्यू होती है वो आपका √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेना, और माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका 3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, नहीं ये 2 नहीं 4 रहेगा, क्योंकि तो यहां आपका स्क्वायर होगा, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2/4 यानी कि 2/4 और यहां आपका 1/2 हो जाएगा आंसर, 1/2 हमारा राइट आंसर है। तो 1/2 आपका कौन सा है, यहां 1/2 बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन राइट है, 1/2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों का थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका रचनाएं चैप्टर से है। लिखा क्या है, सबसे पहले आप ये देखो, यहां क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए कि आपका उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो, और उन दो त्रिज्याओं की सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण हो। ऑप्शन नंबर ए है 135 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 60 डिग्री एंड डी है 120 डिग्री। यहां आप देख लो, यहां दो स्पर्श रेखाएं हैं ऐसे, ठीक है, और ये इनका 60 डिग्री कोण है, ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहां ज्ञात करना है ये वाला कोण, ठीक है, मतलब त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची उनके बीच का कोण होगा। तो इसको अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है, देखो ध्यान से मैं आप लोगों को बताता हूं कि मतलब ये हमारा P है, O है, Q है, R है, चार चीजें, P है, ठीक है, O है, Q है, ठीक है, देखो P है एंड फिर यहां O है, क्यों है, आर, ये एक चतुर्भुज है, देख लो इस टाइप से बना, चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, ठीक है, क्या है ये, चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब चतुर्भुज है तो यहां हमारा कोण पी ओ क्यू जो होगा, पी पी एंड ओ एंड क्यू, यहां हमारा क्यू कहां है, ये, ठीक है, प्लस
हमारा कोण पी आर क्यू, पी आर एंड यहां क्यू, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। वो तो पता ही है 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारा 60 डिग्री क्या दिया हुआ है, हमारा 60 डिग्री ओ वाला, यानी कि ये हमारा ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा थीटा है और ये हमें ओ वाला 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री रख लो और ये हमें थीटा रख लो, इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे आसान तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, 180 में से आप 60 माइनस कर लो, थीटा इक्वल टू हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 120 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां आप लोगों का राइट आंसर होगा 120 डिग्री। समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक वृत्त का जो परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की स्पर्श त्रिज्या है, या फिर सॉरी वृत्त की त्रिज्या होगी, जो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको यहां वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कैसे करोगे ये आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें जो आप लोगों का परिमाप है और क्षेत्रफल है, इन दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों का फार्मूला पता है तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है, त्रिज्या। तो यहां आप लोग सबसे पहले मान लो कि हमारा त्रिज्या जो है वो आर है, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। अब वृत्त की त्रिज्या आर मैंने मान लिया तो वृत्त का परिमाप देख लो, वृत्त का परिमाप का फार्मूला 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों संख्यात्मक रूप में बराबर है, मतलब दोनों को बराबर दिखाना है, 2πr और बराबर है पाई आर स्क्वायर के। तो यहां से पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहां से r इक्वल टू हमें 2 मिलेगा, तो r की वैल्यू 2 होगी या त्रिज्या हमें 2 मिल गया, बस यही तो हमें याद करना था स्टूडेंट। तो त्रिज्या हमारी 2 हो गई, तो यहां हमारा 2 मात्रक बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा भयानक है और सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन लगेगा, ये ध्यान रखना। लिखा हुआ है कि त्रिज्या r, इसका त्रिज्या r है, वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है जिसका कोण जो है पी थीटा है, सॉरी पी डिग्री है, निम्नलिखित है, ऑप्शन नंबर ए है पी बटे 180 एंड इंटू 2πr, ऑप्शन नंबर बी है पी बटे 360 इंटू 2πr, ऑप्शन नंबर सी है पी बटे 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, डी है पी बटे 720 इंटू 2πr स्क्वायर। तो यहां सबसे पहले आपका जो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां हमारा थीटा जो है वो पी डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, पी पी दिया हुआ है, और ये हमारा 360 है, और पाई हमारा ऐसे आपका आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां आप लोगों का, ठीक है, अब आपको अंश और हर में 2 से गुणा करना है, ठीक है, अंश और हर में आप जैसे पी थीटा है, अब इंटू आप 2 कर लो, ठीक है, इंटू 2 बटे में हर में भी आपका 360 इंटू 2, और यहां हमारा पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर आप देखो यहां आर स्क्वायर, देखो यहां 180 डिग्री पे आर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा अगर हम ये लाएंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने ये किया है। तो P बटे आपका गुणा होगा 720 हो जाएगा 2P, लेकिन 2 हम यहां नहीं, यहां 2 पाई आर कर देंगे, यहां इंटू कर लो 2 पाई आर स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहां हम यहां लिख लेना अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, ठीक है,
ठीक है। अब देखो यही हमारा हो जाएगा p इंटू टू पाई आर स्क्वायर बट्टे 2720, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा। देखो एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला गया, उसमें से कुछ ना घटाया गया ना बढ़ाया गया है, तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, पहले के समान रहेगा, दोगुना भी नहीं होगा, क्योंकि ना उनमें से कुछ हटाया गया है ना बढ़ाया गया है, तो फिर पहले के समान रहेगा जैसा पहला था। ठीक है, अगला यहां देखो, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए है माध्य, दूसरा है बहुलक, तीसरा माध्यिका, चौथा है मानक विचलन। तो हमारा मानक विचलन जो है वो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ये हमारा 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ के लिए। ऐसे ही मैं आपको और सारा सॉल्व कराता रहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने आपको करा दिया 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार कराऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।